प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल व्यर्थ नहीं गंवा रही है। सरकार बनते ही अगले 25 दिन में क्या होगा, इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इसमें 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए रखे गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। वोट बैंक के प्रति अपने प्यार के कारण देश के बंटवारे के समय करतारपुर साहिब पर अपना अधिकार नहीं जता पाए। यही लोग हैं जो अपने वोट बैंक के लिए लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल देश के लोग एनडीए गठबंधन वालों से संविधान की सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोट दिया था। जब 84 के दंगों में सिख के गले में टायर बांधकर चलाया जा रहा था तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में आकांक्षाएं नहीं हैं, आज देश में उम्मीदें नहीं हैं, आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है। बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। आज हर भारतीय विकसित भारत के सपने के साथ एक रूप हो गया है। उन्होंने कहा कि जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, जो भारत को समृद्ध बनाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पंजाब के लोग दूसरे राज्यों लोग विदेश में जाते हैं तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती हैं। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण मेरी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसमें गुरु रविदास जी की प्रेरणा है। गुरु रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ो सब राम बसे रैदास रहे प्रसन्न।